सामने। हमारे बीच मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारी गण तथा कृषि में पीएमएमएसवाई योजना के तहत आयोजित किए जा रहे इस जागरूकता शिविर सहकारिता दिवस और सहकारिता सप्ताह मना रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर यूटी में सहकारिता विभाग जो है ये 7 दिन का एक प्रोग्राम हमने आज स्टार्ट किया है और इसका जो मेन थीम है प्रोग्राम का वो जो हमारी मत्स्य पालन का जो स्कीम है उसको प्रमोट करना है, मछली पालन को। तो ये जो संपदा योजना है प्रधानमंत्री की, इसमें हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जा रहे हैं। जितने भी मछली पालक हैं उनके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उनको एग्रीगेट इकट्ठा करेंगे, उनको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे और उनको एक एफपीओ जो है के तौर पर हम उनको एक जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ऐसे ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है प्रोड्यूसर्स के लिए होती है, ओनली फॉर प्रोड्यूसर्स, और वो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिलके कलेक्टिवली अपना एक बिजनेस करेंगे तो उससे उनकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ खरीदनी है तो सस्ते में खरीदेंगे और कोई अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचनी है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस स्कीम को जो लॉन्च किया है एनसीडीसी ने, एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको स्पॉन्सर किया है स्कीम को, और हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की जो सहकारिता विभाग है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं सहकारिता विभाग वाले, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है हमने ये होस्ट किया हुआ है ये प्रोग्राम यहाँ पर किसान भवन में। और एलजी साहब ने, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम को आज टीचर्स भवन में एलजी साहब ने अपने हाथों से शुभ हाथों से शुभारंभ किया है। तो किसान भवन में हम उसका एक लिंक प्रोग्राम चल रहा है, तो ये दोनों प्रोग्राम जो हैं साथ साथ चल रहे हैं।